हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 और एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम है किसका, रेसिप्रोकल्स का, ऑफ रहमान्स एज इन इयर्स, रहमान्स की एज का इन इयर्स, 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले, एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, अब से 5 इयर्स लेटर, इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। अब इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि रहमान की प्रेजेंट एज है लो, वो 10 इयर्स है, 10 इयर्स है, तो 3 इयर्स है, वो 3 इयर्स है, वो 3 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो 7 इयर्स, एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, एंड आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, यानी कि आफ्टर 5 इयर्स, तो जो एज होगी वो कितनी होगी, 10 में 5 प्लस कर देंगे तो 15 इयर्स आ जाएगा हमारे पास, 15 इयर्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो फिर बच्चों, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पे फाइंड इज प्रेजेंट एज, तो लेट रहमान्स प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, तो हम इसको एक्स ईयर्स मान लेते हैं। एक बात हो रही है 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स एगो एज ऑफ रहमान ये कितनी हो जाएगी, इसमें से 3 माइनस हो जाए, 5 इयर्स एज ऑफ रहमान, 5 इयर्स के बाद रहमान की एज कितनी हो जाएगी, 5 प्लस हो जाएगी, उसमें जो उसकी एज है उसमें 5 प्लस हो जाएंगे इयर्स, इसमें नहीं प्लस करने, जो प्रेजेंट एज है उसमें प्लस करने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या है हमारे पास कंडीशन, एक तो कंडीशन ये है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है किसका, रहमान्स एज का, 3 इयर्स है वो, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले जो रहमान की एज है वो एक्स माइनस 3 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x-3, ठीक इसी तरह से, एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, और अब से 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद रहमान की एज है x+5, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x+5 1/x+5, और इनका सम वो किसके इक्वल दे रखा है, 1/3 के इक्वल दे रखा है। तो ये जो कंडीशन है आपको इस कंडीशन को यूज करना है, इस कंडीशन के बेस पे आपको क्वेश्चन चलेगा। तो यहां पे रिपीट करते हैं, उसने कहा है कि सम किसका, रेसिप्रोकल्स का, और रेसिप्रोकल किसके, 3 इयर्स पहले जो एज है यानी कि वो x-3 है तो 1/x-3, 5 इयर्स बाद जो एज है 1/x+5, इनका जो रेसिप्रोकल है और उसका सम कितने के इक्वल है, 1/3 के लिए। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 के जैसा हो गया, हम पहले इसका जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, x-3 और ये x+5, यहाँ पे x+5 और प्लस x-3 दैट इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पे हम करेंगे x और x 2x हो जाएंगे, माइनस प्लस के 5 और माइनस के 3 तो प्लस के 2 आ जाएंगे, और नीचे यहां से तो हमारे पास हो गया 2x+2 आ गया, x की x के साथ x की है प्लस 5x इसकी x के 5x माइनस के 3x
माइनस थ्री पर एक्स की, तो माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री की फाइव के साथ करेंगे तो माइनस के 15, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये 2x + 2 डिवाइड बाई, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3x, तो प्लस के 2x और माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किसकी हो जाएगी, तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और 3 किसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस के 6x और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों टर्म को भी लेफ्ट साइड में लेंगे। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 6x, तो माइनस के 4x, और यहां पे हमारे पास हो गया 15 और 6 माइनस के 21। तो इसको फैक्टर मेथड से इजीली कर देंगे, यहाँ पे सम कितना होना चाहिए -4 और प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, ये हमारे पास -21 इंटू एक्स के कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो -21, तो 7 की और 4 की करते हैं तो 21 हो जाता है, तो 7 हम माइनस का ले लेते हैं, 4 प्लस 1 का प्लस का, तो यहाँ -7 और 4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 और प्लस करेंगे तो माइनस के -7 और 3, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो माइनस के 21 हो जाएंगे, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, माइनस के 4 आ जाएंगे। यहां पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 अगर कॉमन ले तो यहां x प्लस 3 आ जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे, या तो फिर हम x माइनस 7 को 0 इक्वल रख देते हैं और x प्लस 3 को 0, यहां से x की वैल्यू 7 आई और यहां पे x की वैल्यू -3। अब x की वैल्यू क्या है, -3। x क्या चीज है, रहमान की एज, लेकिन वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्टिंग। सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज क्या आ जाएगी, 7 ईयर्स। तो यही हमें निकालना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये आंसर है जो वो सही है या नहीं, तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, ये रहमान की एज है 7 ईयर है, तो 3 ईयर्स पहले 4 ईयर का होगा और 5 ईयर के बाद, 3 ईयर पहले तो ये 4 ईयर का होगा और 5 ईयर के बाद ये 12 ईयर का होगा, तो इनका रेसिप्रोकल 1/4 और 1/12, और इन दोनों का प्लस कर देंगे, कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, 4 और 12 का एलसीएम 12 ही आ जाएगा। यहां से अगर हम करेंगे तो इससे 3 पे कैंसिल हो गया, तो ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 1/3, 4/12 इज इक्वल टू 1/3, 1 और 3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि सही है। इट मीन्स हमने जो इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो भी आपको कंडीशन दी जाती है, जो भी इसमें जो कंडीशन दी है, अगर आप इसको यूज कर लेते हो, जो भी क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी है उसको अगर आप यूज करके सोल्व करेंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे और उसको बड़ी आसानी से सोल्व कर देंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।